डाल दे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग और मैं भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि एमपी में पीएनएसटी एग्जाम कब कंडक्ट करवा जाए। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन एमपी बोर्ड भोपाल से व्यापम ने अपना रिजल्ट बता दिया है कि एग्जाम कब होने वाले है, उसकी क्लियर डेट क्या है और जो एग्जाम फॉर्म किस डेट पे भराने वाले है, साथ ही जो एग्जाम पेपर है वो कितने टाइम में होगा, साथ ही उसमें वो कितने दिन में होगा। लाइक इस बार ये 2 दिन में होने वाला है, 17 और 18 डेट दी हुई है। सो मैं इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। जैसा ही गाइस, अब एग्जाम का मतलब जो फॉर्मेट है वो आ चुका है, सो इससे रिलेटेड मैं भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि एमपी में फॉर्म आ चुके हैं जिसकी जो कि फॉर्म भरने की फर्स्ट डेट है हमारी, जैसा कि अभी दिया हुआ था अपडेट कि अगस्त लास्ट वीक को सितंबर फर्स्ट जो हमारे एमपी व्यापम है वो अपनी बात पे टिका रहा और उन्होंने सितंबर के फर्स्ट वीक में अपने फॉर्म भरना स्टार्ट करवा दिया है पीएनएसटी के। तो फॉर्म भरने की फर्स्ट डेट है 6/9/22, मतलब 6 सितंबर 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके है, मतलब हो जाएंगे। देन जो लास्ट डेट है वो 20 है, ओके 20 सितंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म भरने के एमपी पीएनएसटी के, जिसका आप सब लोग इतने देर से वेट कर रहे थे, ओके। देन इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये भी दिया, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, लाइक आपसे आपके बर्थडे डेट मिस हो गई या किस तरीके से कुछ गलत भरा गया या आपने आपके सेंटर कुछ गलत डाल दिए, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। हर एग्जाम में भी दिया जाता है पर बहुत सारे कम एग्जाम में दिया जाता है, तो वो ऑप्शन ये है कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और संशोधन का फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपने 6 को अपना फॉर्म भर दिया और उसमें आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत कर दिया, लाइक आपका थंब प्रिंट कुछ मिसमैच हो रहा है, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, कुछ भी जो इश्यूज आते हैं, सो अगर आपको वो क्लियर होता है तो आप वो 25/9/2022 तक क्लियर कर सकते हैं। यानी लास्ट डेट संशोधन की 25 सितंबर दी गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट दी गई है 20 सितंबर। सो गाइस, आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल करें और उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि लास्ट चांस हो सकता है आपके लिए। और जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में कब एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट क्या दी हुई है और किस किस टाइम में एग्जाम होने वाला है, ये सब बताने वाली हूँ, तो ताकि एज अ प्रूफ आप लोगों को भी ये वीडियो रियल लगे, इसलिए मैं आपको जो फॉर्मेट उन्होंने अपलोड किया है, जो एज अ आदेश जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है, सो मैं उसके थ्रू आपको इस वीडियो में आगे समझा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ओके। सो चलो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं भरने की प्रारंभिक तिथि 6/9/22 दी है, अंतिम तिथि 20/9/22 दी है, आवेदन में संशोधन की तारीख 6/9/22 से 25/9/22 दी हुई है। अनारक्षित स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म फी है वो 400 रुपये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। एग्ज़ाम डेट 17 और 18 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट पाली वालों के लिए 7 से 8 बजे तक है, देन सेकेंड पाली वालों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 बजे तक, और जो आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा ओनली 10 मिनट का होगा, जो कि 8:50 से 9 बजे तक होगा फर्स्ट पाली वालों के लिए, एंड सेकेंड वालों के लिए होगा ये जो कि 1:50 से 2 बजे तक होगा, ओनली 10 मिनट्स, ओके। इसके बाद जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो फर्स्ट पाली वालों का होगा 9 बजे से 11 बजे तक, देन सेकेंड वालों का होगा 2 से 4, मतलब ओनली 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया ना कि फाइनली फॉर्मेट दे दिया है भोपाल से, सो ये क्लियर है कि आपके अक्टूबर में एग्जाम है, 17-18 अक्टूबर को आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। नवंबर का एग्जाम अक्टूबर में क्लियर हो जाते हैं तो नवंबर फर्स्ट वीक तक आपके काउंसलिंग का भी अपडेट आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। सो नवंबर मंथ को लास्ट में आपके चलिए कि आपकी काउंसलिंग नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो ही जानी है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। और आप जो मैंने सिलेबस से रिलेटेड यार मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके सारा सिलेबस देख लो, आपने अब तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कोई टॉपिक छूटता है तो उसे अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको आगे कोई रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा था और वही पूछ लिया। और साथ ही जो भी अभी तक आपने पढ़ लिया होगा प्लीज आप उसके रिविजन पे ध्यान दो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, ओनली 17 और 18 को एग्जाम हो जाने हैं आपके,
और सेंटर अपने आसपास का चूज कीजिएगा, मतलब अच्छे से सेंटर डालना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है उस टाइम तो उतनी नहीं होंगी, पर फिर भी ताकि आप अच्छे से इजीली अपनी जगह पे पहुंच जाओ। और आपके डाउट जो भी हो कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के बता दूंगी कि आपको आगे क्या करना है, फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है, फॉर्म अपलोड करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और सारे वीडियो बैक टू बैक में अभी आपको दे दूंगी। पहले तो ये सबसे मेन था कि फॉर्म कब आ रहे हैं, कौन सी डेट है, तो वो क्लियर कर चुकी हूँ मैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म भरो, पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।